ओम शांति। मुरली का तारीख है 4/8/2019। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। रिवाइज 9/1/85। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की रूहानी पर्सनालिटी। आज भाग्य विदाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की लकीर कितनी श्रेष्ठ और अविनाशी है। भाग्यवान तो सभी बच्चे हैं, क्योंकि भाग्य विदाता के बने हैं। इसीलिए भाग्य तो जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सभी को स्वतः ही अधिकार प्राप्त है। अधिकार तो सभी को है, लेकिन उस अधिकार को स्व प्रति व औरों के प्रति जीवन में अनुभव करना और कराना, उसमें अंतर है। उस भाग्य के अधिकार को अधिकारी बन उस खुशी और नशे में रहना और औरों को भी भाग्य विदाता द्वारा भाग्यवान बनाना, यह है अधिकारीपन के नशे में रहना। जैसे स्थूल संपत्तिवान की चलन और चेहरे से संपत्ति का अल्पकाल का नशा दिखाई देता है, ऐसे भाग्य विदाता द्वारा अविनाशी श्रेष्ठ भाग्य की संपत्ति का नशा चलन और चेहरे से स्वतः दिखाई देता है। श्रेष्ठ भाग्य की संपत्ति का प्राप्ति स्वरूप अलौकिक और रूहानी है। श्रेष्ठ भाग्य की झलक और रूहानी फलक विश्व में सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ, न्यारी और प्यारी है। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा सदा भरपूर फकूर में रहने वाले अनुभव होंगे। दूर से ही श्रेष्ठ भाग्य के सूर्य की किरणें चमकती हुई अनुभव होगी। भाग्यवान के भाग्य की प्रॉपर्टी की पर्सनालिटी दूर से ही अनुभव होगी। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा की दृष्टि से सदा सर्व को रूहानी रॉयल्टी अनुभव होगी। विश्व में कितने भी बड़े बड़े रॉयल्टी व पर्सनालिटी वाले हो, लेकिन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा के आगे विनाशी पर्सनालिटी वाले स्वयं अनुभव करते कि या रूहानी पर्सनालिटी अति श्रेष्ठ अनोखी है। ऐसे अनुभव करते कि या श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं न्यारे अलौकिक दुनिया के हैं, अति न्यारे हैं, जिसको अल्लाह लोक कहते हैं। जैसे कोई नई चीज होती है तो बड़े स्नेह से देखते ही रह जाते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख देख अति हर्षित होते हैं। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल ऐसा बनता जो दूसरे भी अनुभव करते कि कुछ प्राप्ति हो रहा है, अर्थात प्राप्ति का वातावरण वायुमंडल अनुभव करते हैं, कुछ पा रहे हैं, मिल रहा है, इसी अनुभव में खो जाते हैं। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा को देख
ऐसा अनुभव करते जैसे प्यासे के आगे कुआ चलकर आए, अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के उम्मीदों का अनुभव करती है, चारों ओर के ना उम्मीदों के अंधकार के बीच शुभ आशा का जगा हुआ दीपक अनुभव करते हैं। दिल शिकस्त आत्मा को दिल के खुशी की अनुभूति होती है, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बने हो। अपनी इस रूहानी विशेषताओं को जानते हो, मानते हो, अनुभव करते हो, वहां सिर्फ सोचते और सुनते हो, चलते फिरते इस साधारण रूप में छिपे हुए अमूल्य हीरा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा को कभी स्वयं भी भूल तो नहीं जाते हो। अपने को साधारण आत्मा तो नहीं समझते हो। तन पुराना है, साधारण है, लेकिन आत्मा महान और विशेष है। सारे विश्व के भाग्य की जन्म पत्रिया देख लो। आप जैसी श्रेष्ठ भाग्य की लकीर किसी की भी नहीं हो सकती है। कितनी भी धन से संपन्न आत्माएं हो, शास्त्रों के आत्मज्ञान के खजाने से संपन्न आत्माएं हो, विज्ञान के नॉलेज की शक्ति से संपन्न आत्मा हो, लेकिन आप सबके भाग्य की संपन्नता के आगे वहां क्या लगेंगे? वहां स्वयं भी अभी अनुभव करने लगे हैं कि हम बाहर से भरपूर हैं, लेकिन अंदर काली है, और आप अंदर भरपूर है, बाहर साधारण है। इसीलिए अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थपन के रूहानी नशे में रहो। बाहर से भले साधारण दिखाई दो, लेकिन साधारणता में महानता दिखाई दे। तो अपने को चेक करो, हर कर्म में साधारणता में महानता अनुभव होती है। जब स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे, तब दूसरों को भी अनुभव कराएंगे। जैसे और लोग कार्य करते हैं, ऐसे ही आप भी लौकिक कार्य व्यवहार ही करते हो, वहां अलौकिक अल्लाह लोग होकर कार्य करते हो। चलते फिरते सभी के संपर्क में आते या जरूर अनुभव कराऊं, जो समझे कि इनों की दृष्टि में चेहरे में न्यारापन है और देखते हुए स्पष्ट समझ में ना भी आए, लेकिन यह क्वेश्चन जरूर उठे कि यह क्या है, यह कौन है। यह क्वेश्चन रूपी तीर बाप के समीप ले ही आएगा, समझा? ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो बाप दादा। कभी कभी बच्चों के बोलेपन को देख मुस्कुराते हैं, भगवान के बने हैं, लेकिन इतने बोले बन जाते हैं जो अपने भाग्य को भी भूल जाते हैं। जो बात कोई नहीं भूलता, वहां बोले बच्चे भूल जाते हैं। अपने आप को कोई भूलता है? बाप को कोई भूलता है? तो कितने बोले हो गए? 63 जन्म उल्टा पाठ इतना पक्का किया जो भगवान भी कहते कि भूल जाओ तो भी नहीं भूलते।
और श्रेष्ठ बात भूल जाते हैं। तो कितने बोले हो, बाप भी कहते ड्रामा में इन बोलों से ही मेरा पार्ट है। बहुत समय बोले बने, अब बाप मास्टर सर्वशक्तिवान बना रहे हैं। अब बाप समान मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर पावरफुल बनो, समझा? अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्यवान, सर्व को अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा भाग्यवान बनाने की शक्ति देने वाले, साधारणता में महानता का अनुभव कराने वाले, बोले से भाग्यवान बनने वाले, सदा भाग्य के अधिकार के नशे में और खुशी में रहने वाले, विश्व में भाग्य का सितारा बन चमकने वाले, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मधुबन निवासी भाई बहनों से, मधुबन निवासी अर्थात सदा अपने मधुरता से सर्व को मधुर बनाने वाले और सदा अपने बेहद की वैराग्य रुत्ति द्वारा बेहद का वैराग्य दिलाने वाले, यही मधुबन निवासियों की विशेषता है। मधुरता भी अति और वैराग्य रुत्ति भी अति, ऐसे बैलेंस रखने वाले सदा ही सहज और स्वतः आगे बढ़ने का अनुभव करते हैं। मधुबन की इन दोनों विशेषताओं का प्रभाव विश्व में पड़ता है, चाहे अज्ञानी आत्माएं भी हैं, लेकिन मधुबन लाइट हाउस माइट हाउस है, तो लाइट हाउस की रोशनी कोई चाहे ना चाहे, लेकिन सबके ऊपर पड़ती है। जितना यहाँ का या वाइब्रेशन होता है, उतना वहां समझते हैं कि या कुछ न्यारे है, चाहे समस्याओं के कारण, चाहे सर्कमटेंस के कारण, चाहे अप्राप्ति के कारण, लेकिन अल्पकाल की भी वैराग्य रुत्ति का प्रभाव जरूर पड़ता है। जब आप यहाँ शक्तिशाली बनते हो तो वहां भी शक्तिशाली कोई ना कोई विशेष बात होती है। यहाँ की लहर ब्राह्मणों के साथ साथ दुनिया वालों पर भी पड़ती है। अगर विशेष निमित्त बने हुए थोड़ा उमंग में आते और फिर साधारण हो जाते, तो वहां भी उमंग में आते फिर साधारण हो जाते हैं। तो मधुबन एक विशेष स्टेज है। जैसे उस स्टेज पर कोई भाषण करने वाला है या स्टेज सेक्रेटरी है, अटेंशन तो स्टेज का रखेंगे ना, या समझेगा या तो भाषण करने वाले के लिए है, कोई छोटा सा गीत गाने वाला या गुलदस्ता देने वाला भी होगा, तो भी जिस समय वह स्टेज पर आएगा तो उसी विशेषता से अटेंशन से आएगा। तो मधुबन में किस भी ड्यूटी पर रहते हो, अपने को छोटा समझो या बड़ा समझो, लेकिन मधुबन की विशेष स्टेज पर हो, मधुबन माना महान स्टेज, तो महान स्टेज पर पार्ट बजाने वाले महान हुए ना, सभी आपको ऊंची नजर से देखते हैं ना,
क्योंकि मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा तो मधुबन वालों का हर बोल मोती है। बोल नहीं हो लेकिन मोती हो, जैसे मोतियों की वर्षा हो रही है। बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। इसको कहा जाता है मधुरता। ऐसा बोल बोले जो सुनने वाले सोचे कि ऐसा बोल हम भी बोलेंगे। सबको सुनकर सीखने की प्रेरणा मिले, फॉलो करने की प्रेरणा मिले। जो भी बोल निकले वह ऐसे हो जो कोई टेप करके फिर रिपीट करके सुने। अच्छी बात लगती है तब तो टेप करते हैं ना, बार बार सुनते रहे। तो ऐसे मधुरता के बोल हो, ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन विश्व में स्वतः फैलता है या वायुमंडल वाइब्रेशन को स्वतः ही खींचता है। तो आपका हर बोल महान हो, हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। और दूसरी बात, मधुबन में जितने भंडारे भरपूर है उतने बेहद के वैरागी, प्राप्ति भी अति और वैराग्य वृत्ति भी उतना ही। तब कहेंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति है, हो ही नहीं तो वैराग्य वृत्ति कैसी हो। और होते हुए भी वैराग्य वृत्ति हो, इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। तो जितना जो करता है उतना वर्तमान भी फुल पाता है और भविष्य में तो मिलना ही है। वर्तमान में सच्चा स्नेह वहां सबके दिल की आशीर्वाद अभी प्राप्त होती है और यह प्राप्ति स्वर्ग के राज्य भाग्य से भी ज्यादा है। अभी मालूम पड़ता है कि सबका स्नेह और आशीर्वाद दिल को कितनी आगे बढ़ाती है। तो वहां सबके दिल की आशीर्वाद की खुशी और सुख की अनुभूति एक विचित्र है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई सहज हाथों पर उड़ाते हुए लिए जा रहा है। यहां सर्व का स्नेह और सर्व की आशीर्वादें इतना अनुभव कराने वाली है। अच्छा, इस नए वर्ष में सभी ने नया उमंग उत्साह भरा संकल्प किया है ना, उसमें दृढ़ता है ना। अगर कोई भी संकल्प को रोज रिवाइज करते रहो तो जैसे कोई भी चीज पक्की करते जाओ तो पक्की हो जाती। तो जो संकल्प किया उसे छोड़ नहीं दो, रोज उस संकल्प को रिवाइज कर दृढ़ करो। तो फिर यही दृढ़ता सदा कार्य में आएगी। कभी कभी सोच लिया क्या संकल्प किया था, या चलते चलते संकल्प भी भूल जाए क्या किया था, तो कमजोरी आती है। रोज रिवाइज करो और रोज बाप के आगे रिपीट करो तो पक्का हो जाएगा और सफलता भी सहज मिलेगी। सभी जिस स्नेह से मधुबन में एक एक आत्मा को देखते हैं वहां बाप जानते हैं। मधुबन निवासी आत्माओं की विशेषताओं का कम महत्व नहीं है। अगर कोई एक छोटा सा विशेष कार्य भी करते हैं तो एक स्थान पर वहां कार्य होता है और सभी को प्रेरणा मिलती है। तो वहां सारा
विशेषता के फायदे का हिस्सा उस आत्मा को मिल जाता है, तो मधुबन वाले कोई भी विशेष संकल्प करते हैं, प्लान बनाते हैं, कर्म करते हैं, वहां सभी को सीखने का उत्साह होता है, तो सभी के उत्साह बढ़ाने वाली आत्माओं को कितना फायदा होगा। इतना महत्व है आप सबका, एक कोनों में करते हो और फैलता सभी जगह है। आप एक कोने में करते हो और फैलता सभी जगह है। अच्छा, इस वर्ष के लिए नया प्लान, इस वर्ष ऐसा कोई ग्रुप बनाओ जिस ग्रुप की विशेषताओं को प्रैक्टिकल में देखकर दूसरों को प्रेरणा मिले और वाइब्रेशन फैले। जैसे गवर्नमेंट भी कहती है कि आप कोई ऐसा स्थान लेकर एक गांव को उठा करके ऐसा सैंपल दिखाओ जिससे समझ में आए कि आप प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव फैलेगा। ऐसे ही कोई ग्रुप बने जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले। कोई भी अगर देखना चाहे गुण क्या होता है, शक्ति क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, याद क्या होती है, तो उसे प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाई दे। ऐसे अगर छोटे छोटे ग्रुप प्रैक्टिकल प्रमाण बन जाए तो वह श्रेष्ठ वाइब्रेशन वायुमंडल में स्वतः ही फैलेगा। आजकल सभी लोग प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, सुनने नहीं चाहते हैं। प्रैक्टिकल का प्रभाव बहुत जल्दी पहुंचता है, तो ऐसा कोई तीव्र उमंग उत्साह का प्रैक्टिकल रूप हो, ग्रुप हो, जिसको सहज सभी देख करके प्रेरणा ले और चारों तरफ या प्रेरणा पहुंच जाए, तो एक से दो, दो से तीन ऐसे फैलता जाएगा। इसीलिए ऐसी कोई विशेषता करके दिखाओ जैसे विशेष निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति सभी समझते हैं कि या प्रूफ है और प्रेरणा मिलती है। ऐसे और भी प्रूफ बनाओ जिसको देखकर सब कहे कि हाँ, प्रैक्टिकल ज्ञान का स्वरूप अनुभव हो रहा है। इस शुभ श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की रुचि से वायुमंडल बनाओ, ऐसा कुछ करके दिखाओ। आजकल मनसा का प्रभाव जितना पड़ता है उतना वाणी का नहीं पड़ता। वाणी एक शब्द बोलो और वाइब्रेशन 100 शब्दों का फैलाओ, तभी असर होता है। शब्द तो कॉमन हो गए हैं ना, लेकिन शब्दों के साथ जो वाइब्रेशन शक्तिशाली है वहां और कहां नहीं होता है, या यहां ही होता है। या विशेषता करके दिखाओ। बाकी तो कॉन्फ्रेंस करेंगे, यूथ का प्रोग्राम करेंगे, या तो होते रहेंगे और होने भी है, इससे भी उमंग उत्साह बढ़ता है। लेकिन अभी आत्मिक शक्ति की आवश्यकता है। या है रुचि से वाइब्रेशन फैलाना, या शक्तिशाली है। अच्छा, वरदान सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कोई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती है कि कहां कहां चतुराई से तो चलना ही पड़ता है,
लेकिन ब्रह्मा बाप को देकर सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वहां हार नहीं है, सदा की विजय है। स्लोगन, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआए देना और दुआए लेना। अच्छा, ओम शांति।